DHM Music presents. के बताते हैं कि अवधपुरी के अंदर राजा हरिश्चंद्र राज क्या करते, बहुत अच्छे राजा, सत्यवादी राजा, चारों तरफ चर्चाएं कि भाई सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सत्य की राह पर चलने वाला राजा है। ये खबर इंद्रलोक में भी पहुंची, वहां पर सभा लगी हुई, सभी देवी देवता बैठे हुए, यही विचार विमर्श चलता हुआ कौन के केवल राजा हरिश्चंद्र बड़े अच्छे राजा है, सत्यवादी राजा है, ऐसा राजा कोई और दूसरा नहीं है। एकदम से ऋषि विश्वामित्र जी कहने लगे, भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि राजा हरिश्चंद्र इतना बड़ा सत्यवादी राजा है। ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि मैं उसकी परीक्षा लूंगा, मैं जब कह सकता हूं इस बात को उससे पहले नहीं कह सकता। सजनों, ऋषि राजा हरिश्चंद्र की तपस्या को भंग करने के लिए, उनकी सत्यता को भंग करने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए मृत्युलोक में आए। और बताते हैं कि एक रोज ऐसी कहानी हुई कि रात को सपने में भिखारी आया और राजपाट सब कुछ दान में मांग लिया राजा हरिश्चंद्र का। अब राजा ने दान में दे दिया तो सजनों बताया कि सुबह जब हुई, सुबह सामने वो फकीर जो रात ने सपने में आया था वो सामने खड़ा दिखाई दिया विश्वामित्र फकीर के वेश में। हे महाराज, कुछ भिक्षा दीजिए। जब भिक्षा देने के लिए राजा ने कहा तो फकीर न्यू कह लागा कि ये तो आप दान में कर चुके हो, ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। सजनों, राजपाट सब कुछ दे के बोलिया के और के 60 बार सुनने के और देने पड़ेंगे अभी तो, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो। बताते हैं कि लड़का राजा रानी तीनों अपने आप को काशी शहर में बेच करके 60 भार सोने के उस ऋषि विश्वामित्र को दे देते हैं। एक राजा हरिश्चंद्र कालिया भंगी के यहां पर नौकरी करने के लिए लग जाते हैं। रानी मदनावत और लड़का रोहतास रामलाल पंडित के यहां पर दासी का काम करने लग जाते हैं। समय होनी बलवान होती है। एक रोज क्या, जब रहते सहते कुछ समय गुजरता गया, एक दिन राजा हरिश्चंद हरिया के नाम से जिसको पुकारा जाता, पानी लेने के लिए बरना नदी पर पहुंचा। जब बरना नदी पर पहुंचा जाकर उसने घड़वा पानी का भरा, पहले ही दुर्बल गात हो चुका था वो घड़ा, कोई न उठा, चारों तरफ लखावे, समय का चक्र के रानी मदनावत भी पानी भरने के लिए वहीं पर आ जाते हैं। अब राजा हरिश्चंद्र ने सोचा, भाई तेरे को इस घड़वे को उठाने में आसानी होगी, रानी तेरे को घड़वा उठवावेगी। और कैसे एक बात के द्वारा पंडित जी ने यहाँ की क्या कल्पना की है, क्या बता दिया बाबा। पावण की
श्रद्धा करके हिम्मत करके श्रद्धा करके हाथ लवावण की another update.